सो ऑलराइट गाइस, जैसा कि डेमो आपने देख ही लिया होगा, इस डेमो में हम सबसे पहले आज हमारा जार्विस का डे वन है। सो डोंट वरी अबाउट इट, हम सारी चीज़ें स्क्रैच से नहीं लिखेंगे। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लाइब्रेरीज का यूज़ करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें हम नई ऐड करने वाले हैं अपने इस नए जार्विस के अंदर। सो सबसे पहले मैं आपको ये कंप्लीट कोड लिख के नहीं दिखाने वाला हूँ वन बाई वर्ड, मैं जल्दी से इसे वीडियो को क्विक फॉरवर्ड कर देता हूँ, बट उससे पहले टाइम है इंस्ट्रक्शंस का। ओके, सो इंस्ट्रक्शंस मींस, मैं जब इंस्ट्रक्शंस बोल रहा हूँ आपसे, उसका मतलब ये है कि बाय द वे, आप इस पूरे वीडियो को देखकर इस कंप्लीट कोड को नहीं लिखना चाहते हो, सो दैट इज ऑल्सो परफेक्ट फाइन। इन डिस्क्रिप्शन यू कैन फिगर इट आउट वन फॉर्म लिंक, उस फॉर्म लिंक में आपको इस वीडियो का लिंक कॉपी करना है शेयर करके और उसे उसमें पेस्ट करना है, उस फॉर्म को फिल आउट करना। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप फॉर्म को फिल आउट करके और उस सोर्स को ले सकते हो। ओके, एल्स जिनके पास मनी नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी भी नहीं, वो वीडियोस को देखें और वीडियोस को देख कर लिखें। वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, कोड बिल्कुल फ्री, तो वीडियो को कम्प्लीट देखें और उसे लिखें। तीसरा इंस्ट्रक्शन, जिन लोगों के पास ना तो मनी है और ना ही वो हार्डवर्क करना चाहते हैं, सॉरी फॉर दैट आई डोंट हैव एनी सोल्यूशन। ठीक है, सो राइट नाउ मैं क्या आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, बनाएं इस कंप्लीट यूआई को। कैसे बनाना है चलो देखो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक जार्विस का फोल्डर, ये जार्विस का फोल्डर है और ये मेरा कोड एडिटर है जिसे मैं कर्सर कहता हूँ। ऑल्सो जब आप इसे कर्सर की हेल्प से ओपन करोगे, डजेंट मैटर, आप वी एस कोड भी ओपन कर सकते हो, वी एस कोड की जगह पाईचैम भी कर सकते हो, कोई भी कोड एडिटर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इनिशियल डेज जहाँ पे हम एकदम स्क्रैच से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट जीयूआई से करेंगे, क्योंकि बाद में वो अटैचमेंट नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार और। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा कोड एडिटर है, तो जहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड इमेज देखी, अगर आपने गौर किया हो तो मैंने एक बैकग्राउंड इमेज लगा के रखी, ये आपको ईजिली इंटरनेट में मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो कोई भी आप बैकग्राउंड अच्छा सा लगा सकते हो। ठीक है, जो लोग सोर्स कोड के लिए फॉर्म फिल आउट करेंगे उनको कम्प्लीट ये एसेट मिल जाएगा जिप फाइल के फॉर्म में। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि आप इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक लोगो मिलेगा जो हमारे चैनल का लोगो है। ठीक है, और उसे हम बीच में रोटेट कर रहे हैं, तो अगर आपको ये चाहिए तो भी मिल जाएगा, अगर आपको कुछ और यूज़ करना है इसकी जगह तो भी आप इसे बैकग्राउंड रिमूव करके यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देयर इज़ अ साउंड इफेक्ट जिसका आपने अभी डेमो देखा ही होगा, कुछ इस तरीके से इसका साउंड है, तो इसका भी यूज़ करने वाले हैं हम। लेट्स मूव ऑन द कोडिंग पार्ट, यहाँ से हम अपना कोड लिखते हैं और मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि कोड हमारा हो चुका है कंप्लीट रिटर्न, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस कोड में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले या तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके कंप्लीट कोड लिख सकते हो, और एल्स आप एक काम ये कर सकते हो कि आपको कंप्लीट कोड की जगह स्क्रीनशॉट ले लेके भी आप ले सेलेक्ट सकते हो या फिर पॉज कर, फॉर एग्जाम्पल वाइल डिस्कशिंग वाइल एक्सप्लेनेशन, देख सकते हो अभी स्क्रीन मेरी स्टैटिक है, तो इस टाइम पे आप पॉज करो और इसे 21 लाइन तक इसे लिख लो कम्प्लीटली। ओके ओके, ऑल राइट, सो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टीके के इंटर देखो एक लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम यूआईज बनाते हैं, पिलो एक ऐसी लाइब्रेरी है
जिससे हम इमेज टाइप के परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे कि मैं इमेज ला रहा हूँ, इमेज इनहेंसर ला रहा हूँ और टीके के हेल्प से उन दोनों को अटैच कर रहा हूँ। इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, बिकॉज हम यहाँ पे एक लोगो डॉट पीएनजी का यूज़ कर रहे हैं। ये जो बैकग्राउंड है ये टोटली कोड से डिपेंडेंट नहीं है, वो जस्ट एक वॉलपेपर है, आपको वॉलपेपर के फॉर्म में सेट करना है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ओएस। ओएस का यूज़ क्यों कर रहे हैं, लेटर आई विल टेल यू। पाई गेम का यूज़ क्यों कर रहे हैं, पाई गेम का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाई गेम सपोर्ट करता है कोई भी ऑडियो फाइल को प्ले करने में वाइल क्लिकिंग। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने पाई गेम के मिक्सर को इनिट किया है, व्हेन आई से इनिट इनिशियलाइज करते हैं, और यहाँ पे मैंने टॉप पे लिख भी रखा है वही चीज़, ठीक है। ऑल्सो इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व दिस, उसके बाद हमने प्ले साउंड का एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाया यहाँ पे देखो, जिसके अंदर हम फाइल पास करेंगे। ओएस की हेल्प से जो हमने फाइल दी है ये उसे रीड करेगा और उसे प्ले कर देगा डॉट पे, यू कैन सी राइट। ऑल्सो ये आप स्क्रीनशॉट सेकंड ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके आगे लिख सकते हो। ऑलराइट, ओके, नाउ हमने क्या किया है, एक लॉगिन सेक्शन बनाया है सो दैट जब भी हम उसमें क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर इमेज में तो एक लॉगिन सेक्शन निकल के आएगा। आई होप मेरे लिए ये अभी तक का बेस्ट एडवांस यूआई है, बिकॉज ये प्रॉपर दिख रहा है और फ्यूचर में हम इसे एग्जैक्टली आयरन मैन की तरह बना देंगे, बट राइट नाउ जितना है उतना मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन सेक्शन बनाया है जहाँ पे मैं अपना लॉगिन का यूजर नेम एडमिन रख रहा हूँ और पासवर्ड रख रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपना नाम डाल सकते हो, पासवर्ड जो भी आप चाहो वो डाल सकते हो, डजेंट मैटर। ऑल्सो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कोई नहीं चीज़ नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप डालना, यहाँ पे अगली लाइन पे आपको सक्सेस डॉट वेव दिख रही होगी, ठीक है। इस सक्सेस डॉट वेव का मतलब है कि एक म्यूजिक जो है वो प्ले होगा, ठीक है। सक्सेस डॉट वेव अब क्या है, तो अगर आपने यहाँ पे क्लियरली देखा हो तो बेसिकली हम यहाँ पे वो ऑडियो प्ले करेंगे इन दोनों को क्लिक करने के बाद, ठीक है। एक्सेस ग्रांटेड, वेलकम बैक सर, ये एक मैसेज बॉक्स आएगा, फ्यूचर में हम इसे चेंज कर देंगे बट राइट नाउ हमें वो बॉक्स ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो होलोग्राम है हम उसे शो नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक्सेस ग्रांटेड होने के बाद हमारा जार्विस लॉगिन हो जाए, राइट। ओके सर, टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। तो यहाँ पे देखो, एल्स पार्ट पे आप जाओगे एरर डॉट वेव, अगर आप यहाँ पे चाहो सक्सेस डॉट वेव, एरर डॉट वेव, फिलहाल के लिए मैंने नहीं लगा के रखा है, आप दोनों ही साउंड इफेक्ट लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू बोथ। लॉग आउट, जब भी आप लॉग आउट करोगे तो वो एग्जिट कर जाएगा, ये लॉग आउट का फंक्शन लिखा हुआ है। टेक वन स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो, राइट इट टिल 49, ठीक है। यहाँ पे हमने लॉग आउट का फंक्शन बनाया, इसी तरह टॉगल लॉगिन का बनाया है, इस पे हमने साउंड वेव दिया है, ठीक है। इसी तरह हम नीचे आएंगे और हाइड होलोग्राम, ये हमने क्यों बनाया है, ताकि जब हम लॉगिन कर रहे हों तो हमारी जो इमेज रोटेट हो रही हो वो स्टॉप हो जाए और दिखे भी ना, अंडरस्टूड। ओके, शो होलोग्राम आफ्टर लॉगिन, आफ्टर लॉग आउट वो होलोग्राम वापस से दिखना चाहिए, इसलिए हमने इसे बनाया है। एनिमेट लॉगिन शो, तो ये जब लॉगिन आता है वो थोड़ा एनिमेशन के फॉर्म में दिखे, सेंटर पे ही दिखे, इसलिए हमने इसे डिज़ाइन किया। ऑल्सो आपको ये इधर का कोड नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रैप वर्ड, ठीक है। राइट नाउ आप सारे कोड्स देख सकते हो, आई होप ऊपर का कोई कोड मिस नहीं हुआ होगा, यस नहीं मिस हुआ। ओके, तो 54 लाइन से 72 तक आप अभी लिख सकते हो। ओके, तो राइट नाउ हमने लॉगिन को एनिमेट किया, इसी तरह लॉगिन को जो है तो शो एंड हाइड बोथ करने के लिए हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। और नीचे आओगे आप तो आपको दिखेगा कि कंप्लीट एनिमेशन आपको यहाँ पे हमने देखा दिया है, और जब भी कोई एक्शन होगा वो अपडेट करेगा, अपडेट करने के साथ इमेज को टॉगल करना है, साथ में उसकी जो ग्लोनेस है वो इंक्रीज करना, अगर आप बेसिकली लोगो पे ध्यान दोगे तो वो थोड़ा ग्लो भी करता है, तो वो सारे एनिमेशन हमने डाल रखे हैं। लास्ट में हम अपडेट कर रहे हैं ताकि वो कंसिस्टेंटली लूप पे चलता रहे, ऐसा ना हो कि हमने एक बार लॉग इन लॉग आउट किया तो वो रुक जाए।
यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक कंप्लीट मेन मेथड लेबल्स डिज़ाइन किए हैं उसके लिए, ताकि जो हमारा बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रह सके, पूरा डेस्कटॉप की तरह ये बन सके। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओरिजिनल लेबल्स था, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और यहाँ पे रेस्ट कोड लिख सकते हैं, यूज़र नेम एंट्री और जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, तो यूज़र नेम में क्या फॉन्ट चाहिए, जार्विस जो एक्सेस पैनल यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी चाहिए जैसा भी चाहिए वो लिख सकते हो। ओके, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यूज़र नेम के बाद पासवर्ड आपको किस फॉर्म में चाहिए, स्टार्स चाहिए, ओके गॉट इट, अगर स्टार नहीं चाहिए तो कैसे शोकेस करेगा, ये सब आप सेट कर सकते हो। लॉग इन बटन कैसी दिखनी चाहिए, लॉग आउट बटन कैसी दिखनी चाहिए, वो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। साथ में एग्जिट स्क्रीन, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो कैसे एग्जिट करेगा, फुल स्क्रीन में ही करेगा, एंड स्केप बटन दबाने से क्या होगा, एग्जिट स्क्रीन। ओके, एनिमेशन डॉट लोगो हमने लास्ट में रन किया है और इसे मेन लूप के अंदर रन कर दिया। आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू गाइस। मैं एक एक लाइन अगर लिख के आपको समझाता, डेफिनेटली इट विल टेक अराउंड आराम से 30 to 40 minutes, बट एक सिंपल सी चीज़ के लिए मैं 30 to 40 minutes आपकी वेस्ट नहीं करना चाहता। सो प्लीज़ डू यूज ऑफ दिस कोड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एंड प्लीज़ गिव योर कंप्लीट सजेशन इन कमेंट बॉक्स, बिकॉज आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर कमेंट। थैंक यू सो मच, विल मीट सून। यह चैनल आपकी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। नई और रोमांचक वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें और चलिए एक शानदार सफर की शुरुआत करते हैं।